हेलो, आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। इसमें हम जानेंगे कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका बेसिक मैकेनिज्म और साथ ही साथ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स विथ वेरियस बॉडी कंपोनेंट्स। ये पूरा डिटेल में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये देखेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो प्रोटीन बाइंडिंग कॉन्सेप्ट्स। जब हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और वो बॉडी में जाती है, तो बॉडी में जाने के बाद ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है और जो फ्री ड्रग होती है वो ही अवेलेबल होती है थेरापेटिक एक्शन के लिए। तो जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसी को हम प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग कहते हैं। और प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, लाइक प्रोटीन, डीएनए, एडिपोस। और ये जो प्रोटीन है यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन इंटरैक्शंस के लिए। तो आगे हम आगे डिटेल में देखते हैं उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। अब जब ड्रग एडमिनिस्टर हुई फिर वो एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद जो फ्री ड्रग है वो जाती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जाने के बाद कुछ पार्ट जो है वो प्रोटीन बाउंड हो जाता है जो प्लाज्मा में जाने के बाद, और कुछ पार्ट जो है वो सीधे रिसेप्टर में जाके कंबाइन होता है। और ये जो प्रोसीजर है ये रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। तो जब कुछ फ्री ड्रग अवेलेबल होगी तब फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा, अगर फ्री ड्रग अवेलेबल नहीं होगी तो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं होगा और फिर देयर बाय थेरापेटिक एक्शन नहीं होगा। तो किसी भी ड्रग को उसकी एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसका थेरापेटिक एफिकेसी प्रोड्यूस करने के लिए फ्री होना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग पढ़ते हैं तो वहां हमको कुछ उनकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि या तो वो जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल हो सकती है या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कब होगा? जबकि जो बॉन्ड है ड्रग और प्रोटीन के बीच का वो वी केमिकल बॉन्ड्स होंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स और वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। लेकिन अगर कोवैलेंट बाइंडिंग हो गई तो फिर वो इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग होता है और यही रीजन होता है कार्सिनोजेनिसिटी और टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग के लिए। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ड्रग और प्रोटीन जो है ये अगर आपस में कंबाइन करके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये रिवर्सिबल है। दूसरा है ड्रग प्रोटीन और यहाँ पर ये इरिवर्सिबल है। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि वीकर बॉन्ड्स मीन्स रिवर्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मीन्स इट इज इरिवर्सिबल बाइंडिंग। ड्रग्स जो हैं वो दो कैटेगरी में बाइंड होती हैं। एक होती है ब्लड कंपोनेंट्स के साथ जाके बाइंड और दूसरी होती है एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज के साथ। ब्लड कंपोनेंट में एक तो आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, दूसरे आते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा प्रोटीन में फर्स्ट आता है ह्यूमन सीरम एल्बुमिन जिसको HSA भी बोलते हैं, सेकेंड होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिर आता है लिपोप्रोटीन्स जिसमें कि आते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL, HDL, फिर आते हैं ग्लोब्यूलिन्स जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा आते हैं, और आते हैं नेक्स्ट में ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में फर्स्ट होता है हीमोग्लोबिन जो हमको पता है RBC में होता है, फिर आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस और थर्ड आता है RBC का सेल मेम्ब्रेन। इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट बाइंडिंग होती है एल्बुमिन के साथ, उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन और फिर ग्लोब्यूलिन्स के साथ। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज की। तो टिश्यूज में लिवर, किडनी, लंग्स, मसल्स, स्किन, आईज, हेयर, बोन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। अगर इसका भी हम अगर वो देखें कि हाईएस्ट किसके साथ है तो हाईएस्ट होता है लिवर में, फिर किडनी, फिर लंग्स और लास्ट होता है इसमें मसल्स। अब हम प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग जो है वो रिवर्सिबल कैटेगरी में आता है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हाईएस्ट जो है वो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन के साथ ड्रग जो है वो कंबाइन होती है। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन या HSA में 4 साइड्स होते हैं।
साइट वन को कहते हैं वारफेरिन एंड एजाप्रोपेजोन बाइंडिंग साइट, साइट बी होता है डायजापाम बाइंडिंग साइट, साइट थ्री इज डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट एंड साइट फोर इज टेमोक्सिफिन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट आता है अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका दूसरा नाम है ओरोसोम्यूकोइड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ बेसिक ड्रग्स होती हैं, एग्जाम्पल के लिए है इमीप्रामीन, लिडोकेन, प्रोप्रानोलोल और क्विनिडीन, सिर्फ ये कंबाइन होती हैं। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं लिपोप्रोटीन्स की कैटेगरी में, तो लिपोप्रोटीन्स में जब इनसाइड वाला पोर्शन है वहां पर आते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्टेराइल एस्टर्स, और आउटसाइड में है एपोप्रोटीन्स। इसमें एग्जाम्पल में आते हैं एसिडिक में डिक्लोफिनेक, न्यूट्रल में है साइक्लोस्पोरिन ए, बेसिक में है क्लोरप्रोमाजीन। और लिपोप्रोटीन्स में जनरली जो बाइंडिंग होता है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स में पांच होते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू और गामा। अल्फा वन को ट्रांसकॉर्टिन या कॉर्टिकोस्टीरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें स्टीरॉयडल ड्रग्स जैसे कि कॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन ये जाके कंबाइन होंगे। सेकेंड इसमें होता है थायरोक्सिन और नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन, ये सब जाकर के अल्फा वन में कंबाइन होते हैं। अल्फा टू में कंबाइन होंगे विटामिन ए, डी, ई, के एंड क्यूप्रिक आयंस, और अल्फा टू का दूसरा नाम है सेरुलोप्लाज्मिन। फिर बीटा वन ग्लोब्यूलिन को कहते हैं ट्रांसफेरिन, और ये कंबाइन होता है फेरस आयन जो है वो इसके साथ कंबाइन होते हैं। फिर बीटा टू ग्लोब्यूलिन के साथ कंबाइन होते हैं कैरोटीनॉइड्स, और गामा के साथ बाइंड होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीजेंस। इसके बाद हम बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल्स। जैसे कि हमारे ब्लड है उसमें 40% ऑफ ब्लड सेल्स है जिसमें कि मेजर कंपोनेंट यानी 95% उसमें आरबीसी होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो आरबीसी इज 500 टाइम्स इन डायमीटर एज द एल्बुमिन, और जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एंट्री इनटू आरबीसी इज मोर फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स, मतलब लिपोफिलिक ड्रग्स ज्यादा कंबाइन होती हैं ब्लड सेल्स के साथ। अब इसमें भी तीन साइट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन होते हैं फिनाइटोइन और पेंटोबार्बिटल। फिर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो इसमें जाते हैं एसिटाजोलामाइन और क्लोरथालिडोन। फिर आते हैं आरबीसी सेल मेम्ब्रेन, इसमें आते हैं इमीप्रामीन एंड क्लोरप्रोमाजीन। अब बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज, तो इसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग होती है लिवर में। यहाँ पर इरिवर्सिबल टाइप ऑफ बाइंडिंग होगी ऑफ इपोक्साइड्स ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एंड पैरासिटामोल। सेकेंड है लंग्स, लंग्स में आते हैं बेसिक ड्रग्स लाइक इमीप्रामीन, क्लोरप्रोमाजीन एंड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। थर्ड इज किडनी, इसमें है मेटालोथायोनिन, प्रोटीन बाइंड्स टू हैवी मेटल्स एंड रिजल्ट्स इन रीनल एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी। इन स्किन क्लोरोक्वीन एंड फिनोथायाजीन बाइंड्स टू मेलानिन। इन आई क्लोरोक्वीन एंड फिनोथायाजीन आल्सो बाइंड्स टू आई मेलानिन एंड रिजल्ट्स इन रेटिनोपैथी। हेयर आर्सेनिकल्स क्लोरोक्वीन एंड फिनोथायाजीन। फिर बोन्स, बोन्स में है टेट्रासाइक्लिन व्हिच कॉसेस येलो डिसकलरेशन ऑफ टीथ। देन लेड, इट रिप्लेसेस कैल्शियम एंड कॉसेस ब्रिटलनेस। देन फैट्स, फैट्स में है लिपोफिलिक ड्रग्स लाइक थायोपेंटॉल, पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी। देन लास्ट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं क्लोरोक्वीन एंड क्विनाक्रीन। तो हमने आज के वीडियो में जाना प्रोटीन बाइंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ कंपोनेंट्स, कहाँ कहाँ जाकर के ड्रग्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं। तो इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके हम जल्दी आएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकें। और साथ ही साथ आपको कुछ डाउट है
तो आप हमें कमेंट्स वाले सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू टॉक टू अस। थैंक्स, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल SRIP एडू फार्म एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस दैट वी आर कंटिन्यूअसली अपलोडिंग। कीप वॉचिंग।